अच्छी तरह। महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ से आ रही हैं? जिनका मन अपराध बोध होता है, उनकी वाणी और बुद्धि दोनों साथ छोड़ देती। श्री जी, हमने कोई अपराध किया ही नहीं, तो अपराध बोध कैसा? देखा रहोगा, यह है हमारी महारानी की विलक्षणता। परंतु तुम्हारी पत्नी ये नहीं जानती कि विलक्षणता का मतलब आजादी नहीं होता। क्या महारानी ने आपके किसी आदेश की अवहेलना की है? रावा, अगर इसका उत्तर स्वयं महारानी देंगी तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। परंतु रावा, ये उत्तर कैसे देंगी? जिस अल्हड़पन को इन्हें बिठोर की गलियों में छोड़ाना चाहिए था, उसी अल्हड़पन को ये हमारे झांसी के महल तक ले आई। अब देखो रावा, ये कुमकुम ये गुरुजी ने हमारी महारानी के लिए भेजा है आशीर्वाद के रूप में, परंतु इनके अल्हड़पन ने गुरुजी का भी मान नहीं रखा, अपने पैरों में ले आए। क्षमा कीजिएगा आश्री जी, पैरों पर नहीं, हमारे मस्तिष्क पर। आश्री जी, आशीर्वाद सिर पर हाथ रख कर दिया जाता है, और गुरु जी का यह आशीर्वाद हमारे मस्तिष्क पर ही गिरा है। इसका मतलब गुरु जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। रावा, तेरी महारानी को जितना भी मार्गदर्शन हम दे सकते हैं देंगे, परंतु हमारी बात मानना या ना मानना ये इन पर निर्भर करता है। यही तो लालन पालन और संस्कार दिखाई देते हैं बेटा। क्षमा कीजिएगा आश्री जी, हमारा लालन पालन हमारे बाबा और आजोबा ने संपूर्ण संस्कार के साथ किया है। और हमें सदैव सत्य कहने और सही मार्ग पर चलने का साहस दिया है। बस रावा, तेरी महारानी ने एक महारानी की गरिमा को तोड़ा है, इस राज्य घराने के मर्यादा को तोड़ा है। हमसे आज्ञा लिए बिना ये अपने पिताश्री से मिली, रावा उस पिताश्री से जिसने निवालकर घराने के नाम को उसकी गरिमा को कलंकित किया। नहीं आयश्री जी, ये सत्य नहीं है, उन पर गलत आरोप लगाया गया। सत्य और असत्य जब सामने आएगा तो हमारा रावा फैसला करेगा। अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। बात करने के लिए यह स्थान योग्य नहीं है महारानी।
हमने ईश्वर को नहीं देखा। परंतु हमारे ऐश्वर्य में हम उस आराध्य देवत को देखते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपका पक्ष सुनकर हम उस ईश्वर की वाणी को नकार दें। नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। परंतु जो न्याय करता है वो भी ईश्वर का रूप ही होता है, और हमारा तो केवल इतना ही निवेदन है कि जब भी आप न्याय के मां सिंहासन पर बैठे, तब कोई भी संबंध सत्य की आड़ ना है। आप अपने कक्ष में जाएं। परंतु आप अपनी गरिमा भूल रही हैं महारानी। क्षमा कीजिएगा महाराज, बड़े से बड़े अपराधी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। हमें इतना भी अधिकार नहीं आपको यह अवसर अवश्य दिया जाएगा महारानी। परंतु एक बात का आप ध्यान रखिए कि हमारी ऐश्वर्य एक कुलीन और विद्यावान स्त्री है, उनका आदर करना और सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए सत्य है, और हमें आशा है कि आपको इस सत्य का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आयश्री अपने कक्ष में नहीं है। आयश्री बहुत ही क्रोधी थी, अचानक ही जैसे क्रोध से विचलित हो उठी और पता नहीं अपने कक्ष से निकलकर। हमें पता है इस समय वो कहाँ होगी। भूल हुई है भूल तुझसे। क्यों की तूने भूल? इतनी बड़ी भूल तूने कैसे की? क्यों की? क्यों? क्यों? क्यों की? क्यों? क्यों की तूने भूल? इतनी बड़ी भूल तूने कैसे की? क्यों की? क्यों? क्यों? क्यों की? क्यों? आपका हाथ क्यों रख गया ऐश्वर्या? भूल हमसे हुई है तो दंड भी हमें ही मिलना चाहिए। वर्षों बाद आपको इतना क्रोधित देख रहे हैं, परंतु हमें विश्वास था कि आप हमें यही मिलेंगे। हमें याद है बालावस्था में हमारा हर कार्य आप ही के हाथों संपन्न होता था, आप उसे अपना कर्तव्य समझते थे। परंतु एक दिन आपके अनुपस्थिति में एक दासी ने हमें भोजन खिला दिया, और उस दिन भी आप ऐसे ही क्रोधित हुई थी। हम पर विश्वास कीजिए श्री, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु बाबा के आदेश पर हमें भोजन करना पड़ा। भूल उस दिन भी हमारी नहीं थी, और आज भूल आज भी हमारी नहीं है। हमें याद है रोबा, हमें सब कुछ याद है। उस समय भी तूने हमसे क्षमा मांगकर हमारे क्रोध को इसी तरह से शांत कर दिया था। और जब आपका क्रोध शांत हो गया था, आपने बड़े स्नेह भाव से हमें और उस
उस दासी को क्षमा कर दिया था। महारानी की ओर से हम आपकी क्षमा मांगते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस जगह कभी आना नहीं पड़ेगा। फूल किसी की नहीं है रावा, ये तो सब नियति का खेल था। अगर नियति ने यह खेल ना खेला होता तो तेरे विवाह की बात होने से पहले हम यहां होते। हम नियति के खेल को ही नहीं समझ पाए। परंतु रावा, हम विवश नहीं है। अगर नियति ने हमारे रावा के साथ और कोई भी खेल खेलने की कोशिश की तो हम नियति को भी चुनौती दे सकते हैं। आयशा, ये इस समय न्याय की गुहार पे कौन है? न्याय की गुहार लगाने नहीं, शत्रु अपनी शत्रुता बताने आया है। हमारा शत्रु? हाँ रावा, शिवराम भाव खानविलकर। क्या आज न्याय बहरा हो गया है? न्याय को एक पीड़ित पिता की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जिसके संबंधियों ने हमारे कुल की गरिमा को कलंकित किया है। न्याय करो महाराज, न्याय करो, न्याय करो महाराज, न्याय करो महाराज, न्याय करो। क्या बात है काश, ये आवाज कैसी? महारानी साहब, ये न्याय की घंटी की आवाज है। चिमना भाई के बाबा महाराज से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। दोनों परिवार में इतनी शत्रुता, न जाने आज क्या होने वाला है। होगा वही जो न्याय की गरिमा के अनुकूल हो। न्याय के महासिंहासन पर बैठा राजा केवल न्याय करता है। वो ये नहीं देखता कि न्याय की गुहार लगाने वाला उसका शत्रु है या दंड पाने वाला उसका मित्र। आयशा, हमें स्पष्ट बताइए, हमारी अनुपस्थिति में यहां क्या क्या हुआ? रावा, हमें कहने में बहुत लज्जा आती है, परंतु कुल की मर्यादा सुरक्षित रहे इसलिए हमें वाणी की लज्जा का परित्याग करना ही होगा। बेटा, केवल इतना कहना ही उपयुक्त होगा। शनि का प्रकोप आप और महारानी के मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। रावा, बेटा क्या सोच रहा है? रावा, ये समय एक राजा के न्याय की असली परीक्षा का है। न्याय करो महाराज, न्याय करो। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू एक न्याय प्रिय राजा है और एक न्यायप्रिय राजा इस बात से भली भांति परिचित होता है कि अपराधी के स्थान पर केवल एक अपराधी ही हो सकता है। ना वो भाई होता है, ना पिता, ना मां होती है, और ना ही पत्नी। महारानी जी की जय हो। महाराज ने प्रसाद मठ से भिजवाया है और कहा है कि आप भी प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। ये क्या महारानी जी, आपने तो उपवास खोला ही नहीं।
हमारा उपवास पूरा नहीं हुआ है काशी। ये क्या कह रही है आप? महाराज तो मठ से लौट आया है तो व्रत पूरा हो गया है। हमारी आजी साहब कहा करती थी कि जिसके लिए उपवास रखा जाता है उसी के हाथों उपवास खोला भी जाता है। परंतु महाराज तो दरबार जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कब तक यहाँ पे भूखी प्यासी बैठी रहेंगी? महाराज को हमारा भी संदेश पहुँचा दो कि हम उपवास उन्हीं के हाथों से खोलेंगे, भले हमारे प्राण चले जाए। यहाँ खड़े क्यों? हमारे आदेश का पालन करो। महारानी जी की जय हो। दरबार में श्री शिवराम भाऊ खानवेलकर और श्रीमंत मोरोपंत तांबे के मुकदमे की सुनवाई शुरू होने वाली है। महाराज का आदेश है कि महारानी जी दरबार में शीघ्र ही उपस्थित हों। महाराज को हमारा संदेश पहुंचा देना कि हम अभी उपस्थित होते हैं। जी महारानी जी। अब तो हम ये उपवास तभी खोलेंगे जब सत्य सामने आएगा। रघुनाथ सिंह जी। जी महाराज। हमारी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हम आपको एक गोपनीय कार्य करने के लिए भेजना चाहते हैं। प्रक्रिया आरंभ की जाए। श्रीमान मोरोपंत तांबे और श्री शिवराम भाऊ खानवेलकर झांसी के महाराज श्री गंगाधर राव नेवालकर के दरबार में उपस्थित हो। लक्ष्मीबाई दरबार में पधार रही है। आपसे आग्रह है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाए महारानी। शिवराम भाऊ खानवेलकर, आप अपना पक्ष दरबार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें हर्ष है कि आप हमें निडर होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दे रहे हैं, परंतु यह भी सत्य है कि मेरे पक्ष रखने के उपरांत सामने आने वाले नामों में आपके निजी संबंधियों के नाम शामिल हैं। हम आश्वासन चाहते हैं कि नेवालकर के इस दरबार में
एक खानवेलकर को पुत्री को न्याय मिलेगा। खानवेलकर और नेवालकर घरानों की वर्षों की शत्रुता आपके न्याय की राह में नहीं आएगी। शिवराम भाऊ, न्याय के इस महासिंहासन पर कोई नेवालकर परिवार का सदस्य नहीं बैठा है, परंतु झांसी नरेश विराजमान। इतिहास साक्षर, मां सीता को वनवास भेजने का निर्णय यदि एक पति ने लिया होता तो मां सीता को अयोध्या छोड़कर कभी नहीं जाना पड़ता। परंतु वो निर्णय अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र ने लिया था। दोषी कोई भी हो, हम विश्वास दिलाते हैं कि न्याय अवश्य मिलेगा। क्षमा चाहता हूं महाराज, आपके आश्वासन के बाद मैं ये निडर होकर कहना चाहता हूं कि जिस घटनाक्रम का ब्यौरा मैं देने जा रहा हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी पत्नी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।